एवरीवन, क्या हाल है आप सबका। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही मज़ेदार रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। बहुत चटपटी सी और बहुत तीखी सी बनती है ये लहसुन मिर्च की चटनी। तो वो मैं किस तरह से बनाती हूँ, तो चलिए हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ हमने 20 से 25 लाल मिर्चें ले ली हैं और उसे आधे घंटे के लिए हमने पानी में सोक करके रख दिया था। ये हमने 2 टेबलस्पून इमली लेके उसका पल्प रेडी कर लिया है, उसे पानी में भिगो दिया था हमने और अभी उसका पल्प रेडी है। ये 2 गड्डी लहसुन की हमने ले ली हैं। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें और ये 2 टेबलस्पून ज़ीरा है और अब इन सब चीज़ों को ब्लेंड कर लेंगे। तो अब ये सब कुछ हमने एक ब्लेंडर जार में डाल लिया है और अब इसमें हमने ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना है। वो जो इमली का पल्प है बस उसी पानी में ये ब्लेंड होगी। तो चलें अब मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो यहाँ पे रेडी हो चुकी है हमारी बहुत ही मज़ेदार, खुशबूदार और चटपटी लहसुन मिर्च की चटनी। और आप इसको काफ़ी सारी चीज़ों के साथ इंजॉय कर सकते हैं, जैसे कि आप इसको पुलाव के साथ खाएँ, ताहिरी के साथ खाएँ और भी काफ़ी सारी चीज़ों के साथ आप इसको इंजॉय कर सकते हैं। लेकिन जो मेरा पर्सनल फेवरेट है वो कॉम्बिनेशन मैं आपको बताती हूँ। आप इसको फ्राई अंडा और पराठा उसके साथ इंजॉय करें तो आपको बहुत मज़ा आएगा। और मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको कैसी लगी। तो यहाँ मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि मैंने ये चटनी किस चीज़ के साथ सर्व की थी। तो यहाँ बनाई है हमने बहुत ही मज़ेदार सी ताहिरी, बहुत चटपटी सी और आपको देखने में ही लग रही है ये बहुत मज़े की बनी थी। और इसके साथ ये सादा दही ले लिया है हमने, उसके साथ चटनी और सैलेड। तो ये भी एक बहुत ही परफेक्ट सा कॉम्बिनेशन है और बहुत मज़े का भी लगता है। आप लोग ज़रूर इस तरह से ट्राई कीजिएगा और ट्राई करें तो मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में। और अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगें तो उन्हें लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।